नमस्कार, मैं हूं सैयद चांदना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। सबसे पहले तो मैं पूरा हमारा चौधरी समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ एंड उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आज इन्होंने हमारे जाति के बेटे जीतू भाई को समझ के इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम जो किया है, इसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। चांदीवली विधानसभा के सभी भगवाधारियों का साथ वैसे मिलना बाकी नहीं रह गया है, मेरे हिसाब से मिलता है और मिलता जा रहा है, और इसी साथ से हम सोचते हैं कि चांदीवली पूरी भगवाधारी अक्टूबर के बाद में हो जाएगी। देखिए, हमने जो आज 47वां जो जन्मदिन जो मनाया है, उसके अंदर पूरा का पूरा साथ मेरे बाहर से पधारे हुए मित्रगण यानी हमारे समाज बंधु और मेरी माताओं बहनों एंड इन्होंने सब मेरे को प्रेरणा दी है कि जीतू भाई हमेशा हर लोग केक तो काटते ही है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा सनातन धर्म के अनुसार केक काटना वर्जित है। तो हमने क्या किया ना, हमने भगवाधारी होने के नाते हमने जो भगवा लड्डू बनाया है देसी घी का, वो हमारा 47वां जन्म के हिसाब से हमने 47 किलो का लड्डू बनाया है और उसको हमने उसी में से भोग दे माता जी को, सबको ये हमने अर्पित किया है और 47 दिए जला के हमने चांदीवली विधानसभा को हमने एक संकेत दे दिया है कि अभी 47 दिवस से अभी ये उजाला आगे भारतीय जनता पार्टी और उसको बढ़ाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत करके और हमारे बीच में आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे हरीश बांद्रेकर जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी अभी जो बाइट देके बताया है, तो निसंदेह कि अब की बार चांदीवली विधानसभा को भगवा मनाने में शायद तकलीफ नहीं आएगी। देखिए, भगवा जर्सी को लेके अभी कैसा होता ना, किस किस एमएलए लोगों ने ना जो ये विषय निकाला था, जो हमारे हरीश भाई जी ने बताया था कि उनके दिल में था, वो उनके मुंह पे आ गया है। तो एक्चुअली क्या, उन्होंने बहुत बड़ी मतलब मूर्खता की है और उन्होंने जो भगवाधारियों से जो पंगा लिया है ना, वो उनको 2019 के अक्टूबर महीने में उनको बहुत भारी पड़ने वाला है और इसी कारण से यहाँ से चांदीवली मुक्त कांग्रेस हो जाएगा। देखिए, माता रानी की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जिसको भी टिकट मिलेगी, ये 100% है अगर कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी का अगर टिकट मिलती है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जीत होगी। सबसे पहले तो हमारे बहुत बड़े समाज सेवक है और मेरे बड़े भाई है जीतू भाई चौधरी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ उनको। मैं माता रानी को यही प्रार्थना करूँगा कि वो दिन दुगनी रात चौगनी और भी तरक्की करे, और इसी के साथ में आज उन्होंने एक अच्छा समाज को संदेशा दिया है। जैसा भारतीय संस्कृति में केक आज तो आज की प्रथा बन गई है, केक काटते हैं, लेकिन आज उन्होंने मोतीचूर का लड्डू 47 किलो का बना के उसी तरह आज उन्होंने ऐसा भी प्रण किया है कि 47 जो पेड़ है वो पूरा चांदीवली विधानसभा में लगाएंगे
और एक एक पेड़ एक एक आदमी को देंगे, बाबा तेरी जिम्मेदारी इस पेड़ को पानी देना या उसका संरक्षण करना। उसी तरह यहाँ पे 47 दिए भी जलाए गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे से एक विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूँ, मेरे से जो भी हो सके तन मन धन से मैं आपके साथ में हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखो कैसा है कि पूरा प्रयास रहेगा चांदौली विधानसभा कांग्रेस मुक्त करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता है, हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और हमारे अध्यक्ष है अमित शाह जी, उन्होंने जैसे कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत की है। और अगर ये लोकसभा चुनाव में आप देखोगे तो हमारी जो सांसद है पूनमताई महाजन जी, इनको यहाँ से 27,255 का लीड मिला है। तो एक शुरुआत है कांग्रेस मुक्त चांदौली की, और आने वाले अक्टूबर में मैं इतना ही बोलूँगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ज़रूर आमदार बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो उनके दिल में था वो उन्होंने जुबान पे ला दिया। चांदौली की जनता अभी मूर्ख नहीं बनने वाली है, क्योंकि ऐसी राजनीति करके हमारे जो अभी के विधायक है वो 20 साल तक उन्होंने राज किया, मैं ऐसा बोलूँगा। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है चांदौली में। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आने वाले अक्टूबर में कांग्रेस मुक्त चांदौली 100% होने वाला है। आप अगर देखोगे पूरा चांदौली विधानसभा में, आप मुझे एक रास्ता बताइए, एक रोड बताइए कि जहाँ पे कुछ काम हुआ है, जहाँ पे हमारे विधायक रहते हैं, 20 साल से विधायक है चांदौली विधानसभा में, जरीमरी आप अगर रोड पे साकीनाका से कमानी तक आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो बाकी की चांदौली की बात ही नहीं कर सकता मैं। तो आप इससे मालूम पड़ सकते हैं कि क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। जीतू भाई चौधरी ने जो जन्मदिन 47वां जो मनाया है वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से मनाया गया है। उन्होंने 47 किलो लड्डू के साथ में, 47 किलो दिए के साथ में अपना भगवादारी के रूप में उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी चांदौली विधानसभा के ओर से, कालीना विधानसभा की ओर से, और बजरंग दल युवा कार्यकर्ता कुर्ला विधानसभा की ओर से, कुर्ला के जितने भी बजरंग दल कार्यकर्ता, संघर्ष नगर के जितने भी सब, इन्होंने सम्मिलित होकर हमारे भगवादारियों का एक रूप धारण करके इन्होंने इधर से शुरुआत की है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में भगवादारी जो चांदौली विधानसभा में हम भगवा पड़ेंगे। टिकट मिलती सपोर्ट करोगे? हाँ, टिकट मिलेंगे। हम जो हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको टिकट मिलेगा तो हम, हमारी टीम उनके साथ में रहेगी। जय श्री राम। हमारे जीतू भाई का आज 47वां जन्मदिवस है, और हमारे समाज के सिवी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता है, तन मन धन से समाज की सेवा करते हैं, और अदर कास्ट की भी तन मन धन से सेवा करते हैं। कभी भी आप रात को एनी टाइम बुलाइए, जीतू भाई हमारे लिए हाजिर है। जीतू भाई को समाज टिकट, बीजेपी का टिकट मिला था, समाज उनके साथ में तन मन धन से एक साथ में मिलनी चाहिए। हमारी तमन्ना के बाद जीतू भाई को टिकट मिले चांदौली विधानसभा क्षेत्र से, और हम तन मन धन से उनके साथ में। यस सर, सर जीतू भाई का आज 47वां जन्मदिवस है, और जीतू भाई हमारे समाज के लिए तो है ही है, लेकिन पूरे क्षेत्र में ये पूरा चांदौली विधानसभा कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे कोई भी समाज के हो, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि किसको क्या तकलीफ है, तो तुरंत जीतू भाई पहुँचते हैं और तन मन से सबकी सेवा करते हैं। और हमारी गुजारिश है कि भाई भगवान करे इनको टिकट मिले, और हम तो साथ में ही है, और हमारे ध्यान में है कि पूरा पूरा क्षेत्र जीतू भाई के साथ में। हाँ जी, जो माड़ी समाज तो ही है और अदर समाज भी, जैसे मुस्लिम भाई है, प्लस अपने यूपी वाले भाई है, प्लस अपने साउथ इंडियन है, पंजाब पंजाबी है, सभी लोग जीतू भाई के लिए तन मन धन से साथ में। Yes.
जीतूभाई साथी जो 47वां जन्मदिन की शुभकामना पहले शुभकामना देता हूँ जीतूभाई को। और जीतूभाई चौधरी जो है बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और पर्यावरण के प्रेमी हैं और चांदीवली विधानसभा में उन्होंने 90 फीट रोड पर वृक्षारोपण किया है उन्होंने और बहुत अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता है। यस सर, यस सर, जीतू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब लोग खाना खा के हाँ। जीतू भाई का बर्थडे था चांदोली खासदार पूनमताई महाजन चांदोली विधानसभा भारतीय जनता पार्टी महामंत्री गोपाल भाई राठौर उनके तरफ से उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू भाई को पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जीतू भाई हमारे बहुत अच्छे समाज सेवक है जो हमारे अच्छे दुख सुख हर वक्त हमारे लिए खड़े रहते हैं। इनको हमारी पूरी टीम दुर्गा माता मंदिर वहाँ के ट्रस्ट के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। उनको टिकट मिलती है तो हम सब लोग जी जान से जीतू भाई के साथ में पूरा चांदोली विधानसभा भगवा भगवा। जीतू भाई चौधरी ने जो आज अपने पौराणिक हिसाब से जो जन्मदिन मनाया है सब लोग बर्थडे बर्थडे करके, लेकिन इसका सही महीने में जन्मदिन माना जाता है और जन्मदिन जो मनाया जाता है वो अपने पौराणिक हिसाब से 46 दिए करके 47 किलो का जो लड्डू बनाया है ऐसा लड्डू बना के मेरे हिसाब से चांदीवली विधानसभा में ये पहला लड्डू ऐसा हुआ है जो अपने जन्मदिन के ऊपर जीतू भाई ने मनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी कलिना विधानसभा उपाध्यक्ष होने के नाते जीतू भाई ने जो जन्मदिन मनाया है मेरा कहना यही है कि इधर के जो लोग जीतू भाई ने जो शुरुआत की है और जिस हिसाब से जीतू भाई चल रहे इसी मार्ग पे अगर चांदीवली विधानसभा के जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चलेंगे तो अपना जो संस्कृत का जो अपना ये रहेगा वो अच्छा रहेगा। और जीतू भाई ने इसकी शुरुआत कर ली है और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जीतू भाई ने जिस हिसाब से चल रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी इनका प्रवेश लगभग तय है, ऊपर से इनका आना तय हो गया है। वरिष्ठ पदाधिकारी इलेक्शन होने के नाते उनका अभी प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी है इनसे भी बात हो चुकी है, वो जल्दी से समय तय करके इनका प्रवेश दिलाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सका तो चांदीवली विधानसभा लड़ाने की पूरी कोशिश जीतू भाई चौधरी को दी जाएगी। इस हिसाब से अभी जो लग रहा है माहौल मेरे को ऐसा लग रहा है कि 100% जिस हिसाब से जो माहौल बनाया है जीतू भाई ने चांदीवली विधानसभा में, जो अपने हिंदू लोग जो जाग रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान मोदी जी ने जो जगाया है वही मार्ग पे जीतू भाई चल रहे हैं और इस हिसाब से लग रहे कि जीतू भाई की जीत तय है। अगर भगवान करे पार्टी ने इनको टिकट दिया तो इनकी जीत तय है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।